हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा सुबह का काम। अभी हम सुबह सुबह करीब इस समय 7 बज रहे हैं और हम आ गए हैं खेत में। और ये देखिए, हमारा मटर सूखा गया है, इसे हम उखाड़ रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे से अंधेरापन आ रहा है, इसे साफ साफ देख नहीं रहा है। मटर पक चुका है और इसे उखाड़ करके हम छत पे डालेंगे और ये सुखाएगा। ये देखिए, सूर्योदय भी हो रहा है और अभी और लोग घर पे हैं तो हम आ गए हैं अकेले खेत में। गाय को चारा और खिलाए हैं, इसके बाद तुरंत खेत में। हमारा मटर अब उखड़ गया है, इससे छत पे डाल दिया जाएगा। अब ये सूखा जाएगा। तो ये देखिए, छत पे डाल दिया, 2 दिन बाद का हम दिखा रहे हैं। मटर उखाड़ने के बाद छत पे डाला गया है, ये देखिए 2 दिन बाद ये एकदम सूखा गया है। धूप बहुत तेज़ इसमें हो रहा है तो इसलिए जल्दी सूखा गया। और इसे हम जो है कि अभी पीटेंगे। देखिए, ये हमारा लकड़ी का पीटना है। ऐसे पहले पीटना दूसरे तरीके से बनवाया जाता लोहार से, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं था तो हमने एक लकड़ी ले लिया है, डंडा, उसी से हम पीट रहे हैं। और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से पीटना होता है तो हमारा बहुत अच्छा सुखाया हुआ है, तो जल्दी से साफ हो जाएगा। अभी धूप भी है, ये शाम का समय है, करीब इसमें 4 बज रहे हैं तो धूप भी लग रहा है। ये देखिए, हमारा जो है कि मटर अब पीटा गया है और इसका जो है कि हम पौधा को जोता है उसको निकाल लेते हैं। इसे हम निकाल लेंगे, इसके बाद जो मटर बचेगा उसको साफ किया जाएगा। ये मटर का जंगटा है, इसे निकालते हैं। अभी इसको फूंक दिया जाएगा या फिर खाद में डाल दिया जाएगा, घूर गड्ढे में। ये देखिए, मटर पिटा गया है और ये सफ़ा हो गया है। अब देखिए, हम इसे ओसा रहे हैं, पंखा नहीं लगाए हैं, हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, उसी से हम ओसा रहे हैं डलैया भर करके। ये कितना तेज़ हवा चल रहा है, इससे क्या होता है, इसका जो गर्दा होता है, खरपतवार होते हैं, उड़ जाते हैं और मटर साफ़ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम मटर को साफ़ कर रहे हैं। पहले खेत में से लाए हैं, फिर सुखवाए हैं, पीटे हैं, इसके बाद इसको ओसाया जा रहा है। अभी इसका और भी काम बाकी है, आपको दिखाते हैं। ये मटर पीटने के 2रे दिन बाद उसाया जा रहा है। इसमें दोपहर का समय है,
देखिए काफ़ी रास्ता शान शान है, इसमें कोरोना का जो है माहौल चल रहा था, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा। हम भी अपने घर के पास में हैं, बैठका है उसी के पास में हम उसारे हैं, नींब के नीचे पेड़ का छाया है उसी के नीचे उसारे हैं। और इसमें पतझड़ का महीना चल रहा है तो वो पत्तियाँ तो गिर गया है इसलिए छाया तो नहीं बन पा रहा है, तो धूप भी है यहाँ पे। और पिताजी भी लपटे हैं साथ में हैं लगे। और देखिए मटर ओसा गया है, इसमें जो खरपतवार भी हैं उसको हिलोर लेते हैं, हिलोर करके जो इसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक साफ हो गया है, अभी इसे देखिए आगे का काम भी थोड़ा सा और बाकी है। इसे सूप से जो है कि पछोरा जाएगा और इसका खर पतवार जो है भैया और बाकी है वो निकल जाएगा, तो इसका आगे का काम जो है कि भाभी करेंगे। हमारा यहाँ तक का काम हो गया, देखिए कितना अच्छा मटर है, बहुत ज़्यादा नहीं था थोड़ा सा ही है। तो आपको हम दिखाते हैं जितना है उतना ही है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है। ये देखिए हमारा मटर बहुत अच्छा नहीं पड़ा है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत कम पड़ा है, गिर गया था तो बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका से, तो पैदावार बहुत कम हो गया, नहीं और भी निकलता मटर। ये देखिए भाभी साफ कर रही हैं सूप से, तो इसी तरह से पूरा मटर बन जाएगा। और इसका भी एक काम भी और बाकी है, वो बाद में होगा, अभी इस समय इसी तरह से रख दिया जाएगा। इससे जो है कि यहाँ पे कथे ढकलाना, तो इसका भी जो थोड़ा सा भी खरपतवार है बाकी वो बाद में खाली समय में जो है किया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, के लिए बाय। और ये देखिए मेरा मटर, एक खरपतवार वही हम निकाल रहे हैं, भाभी इसको सफा कर रही हैं खुद से, तो मेहनत से जो है कि मटर तैयार होता है, खाने योग्य होता है, और इसका हम कुछ बनाने योग्य होता है, हम कुछ बना सकते हैं। तो अब तो मेरा ये मटर बन गया है, अब चाहे इसे भींगा के खाइए, छोला बना के खाइए, और किसी भी प्रकार का सामान जो है कि रेसिपी बना के खा सकते हैं, वो आपको बनाने के ऊपर है। मटर तो हो गया है तैयार, अब बनाना है खाना है। सो बाय।